3, 2, 1 शुरू। प्रस्तुत प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि स्वयं परिवादी व आहत जितेंद्र सिंह बावजूद पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात भी साक्ष्य में उपस्थित नहीं आए और तत्पश्चात वारंट पर लिखे पते पर नहीं रहने से अदम पता में उपरोक्त परिवादी व आहत जितेंद्र सिंह की तलबी बंद की गई विराम। अतः परिवादी व आहत जितेंद्र सिंह के साक्ष्य में उपस्थित नहीं होने से उसके द्वारा पेश प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शित नहीं होने से विधि के मान्य सिद्धांतों के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध पठनीय नहीं है, जिससे संपूर्ण अभियोजन कहानी पर विपरीत असर पड़ता है। विराम नया पैरा। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन कहानी के अनुसार परिवादी जितेंद्र सिंह ने दिनांक 28/6/2006 को रात्रि 11:45 PM पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पेश कर मुख्य रूप से यह अभिकथन किया कि उसके पिताजी गंगा सिंह व भाई विनोद राजू स्वयं के मकान में रहते हैं तथा वह इनसे अलग झोंपड़े में रहता है। विराम। वह टैक्सी चलाकर बच्चों का पालन पोषण करता है। विराम। दिनांक 28/6/2006 को रात्रि करीब 10 बजे वह अपनी टैक्सी खड़ी करके अंदर चला गया तथा खाना खाकर वापस 10:30 बजे घर से बाहर आकर देखा तो उसकी टैक्सी में से उसके पिताजी व भाई विनोद राजू तेल निकाल रहे थे। उसने मना किया तो उसे उसके पिताजी ने आड़ा फिरकर उसके साथ थापामुक्की शुरू कर दी। विराम। इतने में विनोद ने खाली बोतल की उसके मुंह पर मारी, जिससे खून निकलना शुरू हो गया। विराम। इसी दौरान भाई राजू ने थापामुक्कों से मारपीट की, तब हल्ला सुनने पर उसकी पत्नी संतोष बीच बचाव करने आई, तब उसके साथ भी इन लोगों ने थापामुक्कों से अत्यधिक मारपीट की तथा उसको नीचे पटक दिया। फिर उसके पिताजी ने उसके मुंह पर कुल्हाड़ी की मारी। विराम। इस प्रकार अभियोजन कहानी के अनुसार अन्य महत्वपूर्ण गवाह स्वयं आहता संतोष है, जो बावजूद पर्याप्त अवसर दिए जाने के साक्ष्य में उपस्थित नहीं आई। विराम। तत्पश्चात नोटिस पर आई रिपोर्ट के अनुसार अदम पता में तलबी बंद की गई। विराम। अतः आहत संतोष के साक्ष्य में उपस्थित नहीं होने से अभियोजन कहानी पर विपरीत असर पड़ता है। विराम नया पैरा। फर्द नक्शा व हालात मौका भी प्रदर्शित कर प्रमाणित नहीं कराया है। विराम। चिकित्सक साक्ष्य में उपस्थित नहीं आया है, जिससे चोट प्रतिवेदन भी प्रदर्शित नहीं हुआ है, जिससे भी यह साबित नहीं है कि जितेंद्र सिंह व संतोष के चोटें आई हो। विराम। अभियोजन पक्ष की ओर से एकमात्र गवाह अलीमा PW1 के रूप में परीक्षित हुई, जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया कि वह राजेंद्र व जितेंद्र को जानती है, इनके बीच कोई झगड़ा हुआ हो उसने नहीं देखा और न ही सुना, जिस पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा विद्वान सहायक लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में भी पुलिस बयान प्रदर्श P1 का भाग A से B को नहीं लिखाया जाना बताया। विराम। इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा पेश एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह PW1 अलीमा अभियोजन पक्ष के निवेदन पर पूर्ण रूप से पक्षद्रोही घोषित हुई है तथा अभियोजन कहानी की लेश मात्र भी पुष्टि नहीं की है, जिससे संपूर्ण अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है, जिसका लाभ
अभियुक्त पाने का अधिकारी है। स्टॉप।